न्यूज टुडे परिवार की ओर से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दियों की रंग बिरंगी रोशनी की तरह आपके जीवन में भी रंग बिरंगी खुशियां आए, हम ऐसी शुभकामना करते हैं। आप स्वयं अपने इष्ट मित्र सगे संबंधियों के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें, न्यूज टुडे परिवार ऐसी शुभकामना करता है। नमस्कार, मैं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइन से। हर ओर बिखर रही रोशनी, चौतरफा दीपावली की धूम, शहर से लेकर गांव तक दिवाली का जश्न। दिवाली पर बाजार की बढ़ी हुई है रौनक, पूजा से जुड़े सामान, मिठाइयों से लेकर पटाखों तक की खूब हो रही खरीदारी। और कंक्रीट के जंगल में इस बार भी पूजा के लिए फूलों का टोटा, कोलकाता से आए फूलों का ही सहारा, लेकिन स्थानीय स्तर पर फूल मिलने से कीमतों में कमी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा की ओर से आप सभी सम्मानित ग्राहकों, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों, पत्रकार मित्रों एवं मिथिलांचल वासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो विथ वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, V2 मॉल के निकट आस्था मार्केट स्टेशन रोड मिर्जापुर दरभंगा की ओर से दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर खरीदारी पर सुनिश्चित उपहार, सुनिश्चित उपहार के खरीदारी की रेंज ₹1000 से शुरू। बॉम्बे डाइंग एक्सक्लूसिव शोरूम अन्नपूर्णा हसनचक दरभंगा एवं मफतलाल ऑथराइज डीलर अन्नपूर्णा ड्रेसेस गांधी चौक दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा की ओर से सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर शोएब खान, मैनेजिंग डायरेक्टर। सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल VIP रोड अलल पट्टी दरभंगा एवं तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर एंड डेवलपर दरभंगा की ओर से आप सभी को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोप्राइटर रिंकू झा। बाथ एंड रूम दोनार चौक दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विगत 30 वर्षों से आपकी सेवा में दरभंगा का विश्वसनीय एवं पुराना प्रतिष्ठान बाथ एंड रूम दोनार चौक दरभंगा। चौधरी इंडेन लहेरिया सराय की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पायनियर इंग्लिश क्लासेस बाय डॉक्टर GK झा मुगलपुरा दरभंगा की ओर से आप सभी को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और समाचार अब विस्तार के साथ। हर ओर बिखर रही रोशनी, चौतरफा दीपावली की धूम, शहर से लेकर गांव तक दिवाली का जश्न। चौतरफा दीपावली की धूम, हर ओर बिखर रही खुशियां, चौतरफा बिखर रही रोशनी। प्रकाश पर्व दीपावली की चौतरफा धूम है, घर से लेकर बाजार तक में रौनक बढ़ी हुई है। बच्चे पटाखे चलाने में मशगूल हैं, दिए की रोशनी हर ओर बिखर रही रंगीन बल्बों के झालर से रोशन हो रहा शहर से लेकर गांव तक। कैमरे की नज़र से देखिए आपके चैनल न्यूज़ टुडे पर दिवाली पर कहां कैसी है बढ़ी हुई रौनक।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर्मल लौटेंगे। मैं डॉक्टर के एन बी सिन्हा, डायरेक्टर डॉक्टर सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम, इस दीपावली, छठ, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा के शुभ अवसर पर मिथिलांचल वासियों, विशेषकर दरभंगा वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाएंगे, सफाई अपना मेंटेन करेंगे और सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को मनाएं, सबसे मिलजुल कर रहें, खुशियों बांटें, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई। मिथिलांचल के समस्त वासियों को श्यामा सर्जिकल संस्थान परिवार की तरफ से दीपावली एवं छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खूब खुशियां मनाएं, मगर पटाखे चलाने से बचें, इससे प्रदूषण तो फैलता ही है और जख्म होने का भी खतरा रहता है। अतः मेरा निवेदन है कि पटाखे ना जलाएं। मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल नगर नंबर 5 दरभंगा की तरफ से आप सभी मिथिलावासियों को, सभी चिकित्सकों को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ को, सभी पदाधिकारियों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, बिहारवासी, देशवासियों, यहाँ के सभी शिक्षक, सभी स्कूली बच्चों, प्रशासन के पदाधिकारियों, मीडिया के बंधुओं, सभी को, पूरे स्कूल परिवार की ओर से दिवाली, भैया दूज, छठ, आस्था का पर्व छठ का ढेर सारी शुभकामना बधाई देता हूँ। साथ ही सभी छोटे बच्चों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि आज के जो ये फुलझड़ी पटाखे से बहुत सारे नुकसान भी होता है, और छठ में खास कर करके नदी में सावधानी से, नदी पोखर में सावधानी से ये पर्व का लोग एंजॉय करें, मनाएं। मैं पुनः सभी लोगों को, खास करके हमारे देश के जो वीर जवान जो कड़े ठंडा में, विकट परिस्थिति में भी हमारे रक्षा के लिए, हमारे देश के रक्षा के लिए, हमारे उस घने जंगल पहाड़ पर डटे हुए हैं, मैं उन्हें भी दिवाली छठ का ढेर सारी शुभकामना बधाई देता हूँ। साथ ही पुनः सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना। दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से प्रशासन के सभी पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, मीडिया के सभी बंधुगण, इंडियन ऑयल के सभी पदाधिकारी, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी मिथिलावासियों को महावीनी तरले की तरफ से धनतेरस, दिवाली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा और हिंदुओं का महापर्व छठ पर्व, जो खास करके बिहार पूर्वांचल में मनाया जाता है, मैं इस अवसर पर यहाँ के सभी अभिभावक, नागरिक, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, इस न्यूज़ टुडे के माध्यम से मिथिलांचल एवं बिहार में रहने वाले सभी नागरिकों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। जो आप लोग, हम लोग सब मिल के बढ़िया से इस पर्व को मनावें और हमारा आने वाला जो समय है वह अच्छा हो। मैं डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा, दीपावली, छठ, भाई दूज तथा इससे जुड़े जितने भी त्यौहार हैं उनके लिए आप सभी को जीसस मेरी महापरिवार की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। दिवाली एवं छठ के शुभ अवसर पर मिथिला के तमाम नागरिकों को साहिल हुंडई और साहिल होंडा के तरफ से मैं इंजीनियर सतीश कुमार सिंह हार्दिक शुभकामना देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में तरक्की हो, सुख शांति और अमन के साथ यह त्योहारों का पर्व और छठ पूजा निकले, यही ऊपर वाले से कामना है। मैं अभिषेक कुमार, विकी टीवीएस परिवार की ओर से तमाम मिथिलावासियों को धनतेरस, दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे सभी भाइयों बहनों तथा मिथिलावासियों को रोशनी का पर्व दिवाली और आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं गुप्ता मार्बल एंड सेनेटी और मार्बल वर्ल्ड की तरफ से।
नमस्कार। राजकृष्ण ग्रुप दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलांचल वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माता रानी करें आप सबों के जीवन में हमेशा हर्षोल्लास रहे और आप सबों की जिंदगी में हमेशा खुशियां आए और आप सब अपने अपने तरक्की की राह पे अग्रसर रहें। और हमारा तो एक यही सपना कि हर मिथिलांचल वासियों के घर में मारुति हो अपना। प्लैनेट फैशन परिवार की ओर से समस्त मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने नानक इंटरप्राइजेस के परिवार की तरफ से न्यूज़ टुडे के माध्यम से दरभंगा वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं, कम से कम पटाखे छोड़े जाएं। सारी हाउस की तरफ से आप सभी मिथिला वासियों को हम लोगों की तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी हाउस परिवार की तरफ से समस्त मिथिला वासियों को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर रेमंड और मानवर की ओर से समस्त मिथिला वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हम लोग रेमंड परिवार की ओर से देते हैं और फुल न्यू रेंज के साथ अभी फुल स्टॉक अपने रेमंड्स में और मानवर में आया हुआ है, जो कि आगे लगन को देखते हुए उसकी सारी प्रिपरेशन सबों ने की है। रेमंड शॉप दरभंगा और मानवर के तरफ से सभी मिथिला वासियों को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभय कुमार कश्यप, प्रचार दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से इस दीपोत्सव और छठ के शुभ अवसर पर यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक घर में शिक्षा के दीप जले, अनंत दीप जले और हमें सुख समृद्धि और संपन्नता हासिल हो। हम इस दीपावली पर यह भी प्रतिज्ञा करें कि हम इको फ्रेंडली दीपावली मनाएंगे, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। हिमम वस्त्रालय एवं गुरुमन टावर चौक दरभंगा की ओर से आप सभी को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। नए डिजाइन एवं नए कलेक्शन के साथ हम आपकी सेवा के लिए हैं तैयार। सभी दरभंगा वासियों को सठानी दी फैशन मार्ट की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली महोत्सव में एक जो भाईचारा का महोत्सव है, छठ पूजा बिहार का एक विशेष पूजा है और इसमें सभी श्रद्धा सभी भक्ति भाव से जुड़े रहते हैं। रूपम साड़ी एवं दीपक टेक्सटाइल दरभंगा की ओर से सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रंग बिरंगे दीयों के साथ दीपावली मनाएं। छठ मैया का ये पावन पर्व परसों से चला आ रहा है, खूब धूमधाम से छठ मैया की पूजा करें। ब्रेक के बाद एक बार आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। हर ओर बिखर रही रोशनी, चौतरफा दीपावली की धूम, शहर से लेकर गांव तक दिवाली का जश्न। दिवाली पर बाजार की बढ़ी हुई है रौनक, पूजा से जुड़े सामान, मिठाइयों से लेकर पटाखों तक की खूब हो रही खरीदारी। और कंक्रीट के जंगल में इस बार भी पूजा के लिए फूलों का टोटा, कोलकाता से आए फूलों का ही सहारा, लेकिन स्थानीय स्तर पर फूल मिलने से कीमतों में कमी। दिवाली पर बाजार की बढ़ी हुई है रौनक, पूजा से जुड़े सामान, मिठाइयों से लेकर पटाखों तक की खूब हो रही खरीदारी। दीपावली पर चौतरफा बिखर रही रोशनी, सजा हुआ है बाजार, पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी, बाजार की बढ़ी हुई है रौनक, मिठाइयों और पटाखों की दुकान पर भी बढ़ी हुई है भीड़। प्रकाश पर्व दीपावली पर चौतरफा बिखर रही है रोशनी, हर ओर बिखर रही है खुशियां, बाजार में रौनक बढ़ी हुई है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस से ही बाजार सजा हुआ है, पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी, मिठाइयों की दुकानों में भी बढ़ी हुई है भीड़, पटाखों की भी खूब खरीदारी कर रहे लोग। कैमरे की नज़र से देखिए दरभंगा से लेकर लहेरिया सराय तक बाजार की कैसी है रौनक।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉरन लौटिंग। दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर सीएम कॉलेज महाविद्यालय परिवार की तरफ से दरभंगा वासियों को और यहाँ के जो अभिभावक हैं, छात्र छात्राओं को और जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना इस दीपावली के हर्षोल्लास पर। और इस दीपावली में एक अंधेरे पर उजाले का जो विजय है, उस उजाले को एक अच्छे सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचार के साथ उसको आगे बढ़ाना है और एक अच्छी सफलता जो अपने समाज की भी और बिहार स्तर पर, देश स्तर पर अपने आप को आगे बढ़ाना और एक अपनी व्यक्तित्व जो अपना, जो अपनी पहचान, उस पहचान को बनाए रखना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दरभंगा वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। हमारी ओर से, मेरे महाविद्यालय के सारे लोगों की ओर से, कॉलेज परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर। और हार्दिक बधाई देता हूँ दीपावली और छठ की शुभकामनाओं के साथ। दीपावली, भैया दूज और छठ के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर गौरीशंकर झा, विशुद्धानंद हॉस्पिटल की तरफ से समस्त दरभंगा वासियों को शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये प्रकाश का पर्व सभी लोगों के जीवन में अंधेरा जो छाया है उसको हटाएगा। हम भारत उत्तर से दीपावली और छठ की मिथिला वासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। आप लोग ढंग से दीपावली मनाएं, छठ मनाएं, लेकिन पटाखे कम से कम छोड़ें, बच्चों को पटाखों से दूर रखें, प्रदूषण कम फैलाएं, यही हमारी आपसे गुजारिश है। सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ की पादुका की तरफ से हार्दिक शुभकामना। राजस्थान से राधे राधे परिवार की तरफ से हमारे सम्मानित ग्राहकों, कर्मचारी, पुलिस कर्मी और मीडिया के सभी भाई बंधु को दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा मानना है मिथिला की मिठास मिठास बनाए रखें। सभी मिथिला वासियों को आनंद भोग आटा की ओर से दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बाटी का परिवार के सभी सदस्यगण दीपावली, भाई दूज और छठ वहाँ पर की हार्दिक हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं। गौतम एजेंसी जलवागम की ओर से सभी मिथिलावासियों को दीपों के महान पर्व दीपावली एवं महान आस्था का पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी मिथिलांचल वासियों, दरभंगा वासियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाज के कर्मी, प्रशासनिक विभाग के जितने भी अफसर हो, कर्मचारी हो, सभी को दीपावली, दीपों का पर्व एंड महान आस्था छठ का ढेर सारे हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब दीपावली मनाते, दीपावली हम सब में एक रोशनी का प्रतीक के रूप में, पर्व के रूप में मनाते हैं। खुशियों का पर्व है, दीपों के भांति आप लोग का जीवन प्रकाशमय हो, उन्नत हो, हमेशा आगे बढ़ते रहे, मेरा यही मनोकामनाएं हैं। आप लोग का मनोकामना फलीपूर्ति भी हो। सिंह परिवार एवं धर्मात्मा परिवार की ओर से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं मिथिला वासियों को छठ दिवाली की हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। सिंह परिवार और धर्मात्मा परिवार की तरफ से पूरे मिथिलांचल वासियों और पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ दीपावली का। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी अभिभावकों, मीडिया बंधुओं एवं सभी नगरवासियों को दीपावली एवं छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाए जाने वाले दीपों का पर्व दीपावली एवं सूर्य उपासना के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। पर्व दीपावली, आस्था का पर्व छठ, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा और गोवर्धन पूजा, सभी पर्व के अवसर पर मैं समस्त निगमवासी, सभी निगम कर्मी, सफाई कर्मी, निगम के पदाधिकारी, कर्मचारी, हम अपने निगम के महान जनमानस को तीनों चारों पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। किसान भाइयों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। साथ ही आशा ही नहीं, अपेक्षा करती हूँ कि आने वाला हर दिन, हर ज्योति का पर्व, हर एक के जीवन में हर दिन दीपावली हो। और सूर्यदेव से हमारी प्रार्थना है कि सभी के जीवन में, वो सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, सभी के जीवन में सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। नमस्कार,
मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ और हम यहाँ बंगाली टोला में एक छोटा सा स्कूल हार्वर्ड जूनियर स्कूल चला रहे हैं। हमारे स्कूल की तरफ से आप तमाम मोहल्ला वासियों और दरभंगा वासियों को, मिथिला वासियों को दिवाली एवं छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली छठ के शुभ अवसर पर ग्रामीण डिपार्टमेंटल की ओर से सभी दरभंगा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। हर ओर बिखर रही रोशनी, चौतरफा दीपावली की धूम, शहर से लेकर गांव तक दिवाली का जश्न। दिवाली पर बाजार की बढ़ी हुई है रौनक। पूजा से जुड़े सामान, मिठाइयों से लेकर पटाखों तक की खूब हो रही खरीदारी। और कंक्रीट के जंगल में इस बार भी पूजा के लिए फूलों का टोटा। कोलकाता से आए फूलों का ही सहारा, लेकिन स्थानीय स्तर पर फूल मिलने से कीमतों में कमी। कंक्रीट के जंगल में इस बार भी पूजा के लिए फूलों का टोटा, कोलकाता से आए फूलों का ही रहा सहारा। हालांकि स्थानीय स्तर पर कई वर्षों से फूलों की होने लगी खेती ने दिया सहारा और कीमतें भी इस बार फूलों की पहले की अपेक्षा कम रही। कंक्रीट के जंगल में दिवाली पर इस बार भी रहा फूलों का टोटा। ज्यादातर कोलकाता से आए फूलों का ही रहा सहारा, लेकिन स्थानीय स्तर पर उगे फूलों ने भी बाजार को दी बड़ी राहत। दीपावली पर फूलों का खास महत्व होता है, पूजा के लिए कहें या फिर दुकान या घर को सजाने के लिए फूलों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। आम तौर पर कंक्रीट के जंगल में कोलकाता से आए फूल ही दरभंगा में लोगों के लिए मददगार साबित होते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से स्थानीय स्तर पर फूलों की खेती होने की वजह से बाजार में इनकी भी धमक है और कीमतें भी कम हुई हैं। इस बार भी अच्छे हैं, अपना लोकल फूल भी यहाँ उपलब्ध हुआ है, बंगाल से भी आया है और पिछले वाले की तुलना में इस बार रेट बहुत कम है। अपनी बार और लोगों को सुविधा हो रहा है, लोग सेवा कर रहे हैं, लोग सजावट कर रहे हैं और इस बार बहुत अच्छा खेती भी अपने यहाँ हुआ है, इसलिए तरह से हम लोग पूरा सेवा कर रहे हैं। ये तब तक के समाचार बिता लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। हर ओर बिखर रही रोशनी, चौतरफा दीपावली की धूम, शहर से लेकर गाँव तक दिवाली का जश्न। दिवाली पर बाजार की बढ़ी हुई है रौनक। पूजा से जुड़े सामान, मिठाइयों से लेकर पटाखों तक की खूब हो रही खरीदारी। और कंक्रीट के जंगल में इस बार भी पूजा के लिए फूलों का टोटा। कोलकाता से आए फूलों का ही सहारा, लेकिन स्थानीय स्तर पर फूल मिलने से कीमतों में कमी। मधुबनी के केला व्यापारी को NH-57 पर अपराधियों ने मारी गोली, नगद रुपए के साथ लूटी बाइक भी, पटना किया गया रेफर, हालत गंभीर। मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड के भजनाहा गांव के रहने वाले केला व्यापारी राम सुंदर शाह को अपराधियों ने NH-57 पर गोली मार दी है, साथ ही उनके पास से कैश लूटकर फरार हो गए हैं। फिलहाल श्री शाह की हालत गंभीर बनी हुई है। बीती रात NH-57 पर कमलदाहा गांव के पास अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दीपावली पर छठ की तैयारी के साथ केला व्यापारी राम सुंदर शाह केला की खरीद के सिलसिले में बाइक से भपटियाही बाजार गए थे। वहीं से लौटने के दौरान NH पर अपराधियों ने उन्हें रोक लिया, पिस्टल दिखाकर लूटपाट की कोशिश की। श्री शाह ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने पहले उनके साथ मारपीट की, फिर पीठ में गोली मारकर कैश के साथ बाइक लेकर वहां से फरार हो गए। बाद में जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची है और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पहले तो DMCS लाया गया, लेकिन उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और रेफर कर दिया गया है। भारत नेपाल के बिहार बॉर्डर से एक माह में धराया तीसरा विदेशी, पोलैंड का नागरिक बताया जा रहा, पुलिस कर रही मामले की जाँच।
नेपाल इमिग्रेशन ने वीरगंज बॉर्डर से पोलैंड के नागरिक को गिरफ्तार किया है। यह एक माह से अधिक समय में दूसरा मौका है जब यहां से विदेशी नागरिक को पकड़ा गया है। इससे पहले भी तकरीबन एक माह पहले भारत नेपाल सीमा पर नेपाल के वीरगंज में अर्जेंटीना के दो नागरिक गिरफ्तार किए गए थे। दोनों को वीरगंज में नेपाल इमिग्रेशन विभाग की टीम ने पकड़ा था। इनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल थे। दोनों बिना वैध कागजात के नेपाल से रक्सौल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे थे, तभी दोनों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों से पूछताछ के बाद स्थानीय अधिकारियों ने काठमांडू स्थित हेडक्वार्टर को इन्हें सौंप दिया था, लेकिन आज नेपाल इमिग्रेशन ने एक और विदेशी नागरिक को वीरगंज बॉर्डर पर गिरफ्तार किया है। वीरगंज के रास्ते भारत के रक्सौल में प्रवेश करने के दौरान पकड़ा गया विदेशी नागरिक पोलैंड निवासी मिचल जेर्जी फिगु करशी है, जिसके पास नेपाल और भारत में प्रवेश के लिए वैध वीजा नहीं था। गत 14 दिनों से नेपाल के विभिन्न स्थानों में रहने के बाद यह वीरगंज पहुंचा, जहां से रक्सौल जाने के क्रम में उसे पकड़ लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। दीपावली की पुनः शुभकामना के साथ नमस्कार। जय हिंद।